सूरज पर है कालिक पोती, किया चांद का मुख काला, मानवता की हत्या का इतिहास घिनौना रच डाला। अब बंद करो ये हत्याएं, वरना शिव स्वयं डरेगा, तुम ही भक्षक बन बैठे तो रक्षा कौन करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य निर्णायक गण एवं उपस्थित साथियों, मैं CISF से उप निरीक्षक आशुतोष कुमार आज के इस वाद विवाद के विषय मानव अधिकार का अनुपालन करते हुए देश में आतंकवाद एवं उग्रवाद से प्रभावी तरीकों से निपटा जा सकता है के पक्ष में अपना मत एवं विचार प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, इस विषय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री KG बालकृष्णन के उन वाक्य का उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि मानवता को बनाए रखने के विषय में हमारे सुरक्षा बलों के विचार एवं भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट है एवं केवल तुच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति यह सोच सकता है कि सुरक्षा बलों के द्वारा मानव अधिकारों के सम्मान करने से हमारे राष्ट्रीय महत्व को खतरा उत्पन्न होगा। 10 दिसंबर 1948 के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 3 तथा मानव अधिकार संरक्षण आयोग 1993 के सेक्शन 2D में भी यह स्पष्ट वर्णन है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री JS वर्मा ने इसी मंच के माध्यम से सन 2001 में यह स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन एवं स्वतंत्रता की गारंटी देता है उसे आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जाता तथा जो लोगों के हित के खिलाफ हो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। DK वसु बनाम बंगाल राज्य में माननीय न्यायाधीश ने भी यह स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बलों के द्वारा गिरफ्तारी के समय में भी मानवाधिकार का उल्लंघन न हो, परंतु स्थिति आपके समक्ष है। वासुदेव कुटुम्बकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः विचारधारा वाला देश, जहां आज नक्सल समस्या ने गंभीर रूप धारण कर रखा है, प्रश्न उठता है ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियारबंद हो गए हैं और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। महोदय, आधुनिकीकरण के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंधुआ मजदूर बनने पर, किंतु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मैं पूछता हूं देश की धरती तुझे क्या दूं, क्यों दूं और किस लिए निछावर करूं अपना सब कुछ तुम पर? क्या इसलिए कि मुझे देशद्रोह जैसे शब्दों से नवाजा जाए या इसलिए कि मुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाए? जी हां अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा ही समय था जब मान्य सुबह लखन भैया सेहराबुद्दीन तथा तुलसीराम प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। यह कैसी विडंबना है महोदय, हमारे विपक्षी साथी द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण किए बगैर ही राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब आम लोगों का कोई अधिकारी नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मतलब? मैं पूछना चाहता हूं विपक्षी साथियों से, वे किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? पुलिस हिरासत में अत्याचार व मौत, उन्नाव केस, किसानों द्वारा आत्महत्या या बिहार के शेल्टर होम में हुई मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, क्या यह है राष्ट्रीय सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं बल्कि सीमा के अंदर रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा से भी है। अपने हक को मांगे जाने पर लोगों को नक्सली तथा आतंकवादी करार दिया जाता है तथा यह सुरक्षा देने वाले पुजारी IPC की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर उन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, फिर फर्जी इनकाउंटर में भी मार गिराते हैं। जबकि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि फर्जी इनकाउंटर हत्या के समान है। 10 जुलाई 2004 को मनोरमा देवी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या तथा पूर्वोत्तर राज्य की महिलाओं द्वारा हम सुरक्षा बलों के समक्ष निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि हम सुरक्षा बलों ने आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का दुरुपयोग कर नाजायज फायदा उठाया है, वहां के लोगों को जबरन गिरफ्तार कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है तथा उनकी बहु बेटियों के साथ दरिंदगी कर मानवता को संसार किया है। यह देश की सभ्य समाज एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। CRPC की धारा 41, 42, 107, 151 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, CRPC की धारा 129, 130 मजमे को तितर बितर करने की शक्ति और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने तक की शक्ति इन सुरक्षा बलों को दी गई है। और कितने अधिकार दिया जाए इन्हें, तो दे दो रोलेक्ट एक्ट जैसा अंधा कानून और ढूंढते रहो इतिहास के पन्नों पर स्वतंत्रता एवं समानता जैसी शब्दों को। महोदय, आज जरूरत है चिंतन की, मंथन की, जागरूकता की, लोगों में विश्वास जगाने की। आज जरूरत है Super 30 जैसे संस्थानों की ताकि अपने पथ से भटके हुए बच्चों को उचित शिक्षा, भोजन इत्यादि का प्रबंध कराकर उसे विकास के सही मार्ग से जोड़ सके। अंत में फैसला माने निर्णायक मंडल के ऊपर छोड़ते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैं जीना चाहता हूं इंसानों की फौज के बीच में, मैं जीना चाहता हूं उगते सूरज की किरणों के बीच में, सुंदरता और सुगंध के बीच में। मेरी इच्छा है काश मिल जाए मुझे थोड़ी सी जगह इन जीने वालों के दिलों के बीच में। जय हिंद।